नमस्कार दोस्तों, मैं आरती भारद्वाज, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं मार्कंडे महादेव जी दर्शन करने। तो ये देख सकते हैं सामने गेट है, मदन मोहन मालवीय गेट, और ये रास्ता सीधा मार्कंडे महादेव मंदिर ही जाता है। तो मैं अभी काफ़ी घनी बस्तियों से चल रही हूँ, और आप इस रोड से जा रहे हैं तो ये काफ़ी घनी बस्तियों वाला रोड है, तो कृपया आप इस पर धीमे चलें। और यहाँ पर श्रद्धालुओं का हमेशा आना जाना है, इसकी वजह से लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो कृपया आप धीमे ही चलें। तो साथ में आप भी मेरे साथ चलिए और दर्शन कर लीजिए। क्योंकि अब शिवरात्रि आने वाली है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी भीड़ होने वाली है, और यहाँ पर मेला लगना भी स्टार्ट हो गया है। और ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी और सुंदर सड़क दिखाई दे रही है, दोनों तरफ काफ़ी हरा भरा आपको दिखाई दे रहा होगा। जो कि ये मंदिर बनाई गई है कैथी गांव में, तो बस हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। तो जब यहाँ पर शिवरात्रि वाले दिन बहुत यहाँ पर भीड़ लगता है और मेले की तैयारी हो रही है, तो ये मंदिर है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं गंगा नदी के तट पर। तो आप देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु लोग वहाँ से स्नान करके मंदिर के लिए आ रहे हैं। तो मंदिर से एक किलोमीटर अंदर गंगा नदी है। और शिवरात्रि वाले दिन और सावन में लोग यहीं से नहा करके लंबी कतार वाली लाइन यहाँ से लग जाती है श्रद्धालु लोग का। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं माला फूल, जो भी आपको सामग्री चाहिए, प्रसाद सब बिकता है। और यहाँ से गंगा जल अब लेकर के सभी लोग जाते हैं। तो अभी काफ़ी भीड़ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जो कि यहाँ पर इस समय दोपहर का समय है। तो हम चल रहे हैं दिया जलाने। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। मृत्युंजय महादेव साहिमाम शरणागतम सं मृत्यु जरा रो गए पीड़ितम बंधनायम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्षी लोग आ रही हैं दाना। तो मेरे साथ में जो लोग भी थे सभी लोग यहाँ पर दाने डाल रहे थे मेरे आसपास के लोग जो थे।
तो अब हम चलते हैं मंदिर के लिए। हर हर महादेव दोस्तों। तो अब हमारा गंगा तट का पूजा हो चुका है और हम वापस चल रहे हैं मंदिर की साइड। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी चैनल के नेम से है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, तो आप लोग वहाँ से जाके फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर में, तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो देख सकते हैं कि काफ़ी प्यारी प्यारी दुकानें अंदर सजी हुई हैं और इस समय काफ़ी तैयारी चल रही है शिवरात्रि का। और ऊपर देख रहे हैं टिंचर का लगा हुआ है ताकि धूप वगैरह ना लगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, ताकि मैं हाथ में जल ली थी, साथ ही प्रसाद ली थी, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस समय देख रहे हैं कि भीड़ भी लगी हुई है सभी दुकानों पर। तो अब पहुंचने वाले हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। तो अब हम आ गए हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये जो सामने ये पंडित है गोलू मोलू सा बच्चा, ये हम लोग को पूरा पूजा कराया। तो सामने मार्कंडे जी हमारे विराजमान हैं। चलिए अब हम चलते हैं अंदर। तो ये हैं हमारे मार्कंडे महादेव जी और हम यहाँ पर पूजा कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम पूर्वारुक्मे वंदनम मृत्यु मुक्षे मामृता। तो यहाँ पर मार्कंडेय महादेव के साथ ही साथ पार्वती भी विराजमान है। तो देख सकते हैं कि सभी तरफ हवन वगैरह हो रहा है और हवन कुंड बनाया गया है और पंडित जी लोग पूजा करा रहे हैं। तो काफी बड़ी मंदिर है, काफी खूबसूरत मंदिर है और नामी मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। चलिए अब हम वापस चलते हैं, हमारा पूजा संपन्न हुआ।